अकबर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले तो मंदे। सासंग जी आज दे साडे धर्म विचार दा विषय है धर्म ते परोपकार। धर्म की है ते परोपकार सानू किस तरह दी सेध दिंदा है ते धर्म नाल किस तरह नाल जोड़ी रखदा है इसे सारी गलबात लई साडा अज स्टूडियो विच मौजूद ने भाई गगनदीप सिंह जी जो कि प्रचारक ने साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज रोपड़ ते अजकल दिल्ली विच सेवावां निभा रहे ने। सो गगनदीप जी आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संग जी इस तों पहलां कि असीं अपना धर्म विचार शुरू करिए कोशिश करदे हां गुरु तों मिले ज्ञान रूपी प्रसाद हुक्मनामे दे पावन शब्दां दे अर्थ समझण दी ते उहनां ते अमल करन दी। तां आओ वेखदे हां तन तन सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर तों हुक्मनामा किस तरह दा प्रवान होया। सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी। सुई महला पंजमा तो मैं आया सरनी आया परोसे आया कृपाया जो पावे त्यो राखो स्वामी मारग गुरे पठाया रहाओ। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन दर तों अज दा जो पावन हुक्म गुरु कृपा रहमत दा सदका सानू प्राप्त होया है इस पावन हुक्म राही सतगुरु जी सानू सिखिया दे रहे ने तो मैं आया शरणी आया कि हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हाँ ते तेरी शरण इस भरोसे नाल आया हाँ कि तू मेरे उत्ते कृपा करेगा। अमृतमई बाणी अंदर सतगुरु ने सोझी दिती है कि जदों भी प्रभु परमेश्वर दी शरण अंदर जाना है एक ता उस प्रभु दे उत्ते पूर्ण भरोसा होवे। जे पूर्ण भरोसा है ता ही उस प्रभु परमेश्वर दे नाल संबंध जुड़ना है। तो धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी सोझी दे रहे ने कि मैं तेरी शरण अंदर आया हाँ ते इस भरोसे नाल आया हाँ तू मेरे उत्ते कृपा करेगा। सो हे मालक प्रभु जिवें तेनू चंगा लगे मेरी रखिया कर मैनू तेरे दर ते गुरु ने भेजिया है मैनू तेरे दर दा रस्ता गुरु ने विखाया है। पातशाह जी कहन लगे मेनू तेरे उते पूर्ण भरोसा है जिवें तू चाहे ओवें मेरी पैज रख। सतगुरु ने अमृतमई बाणी अंदर भी कृपा कीती है कि जदों प्रभु परमेश्वर दी शरण तकी होवे ते आस केवल ते केवल उस प्रभु दी होवे। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले। जदों ए भरोसा बज जावे कि रब जी तू ही मेरा असल सज्जन है तू ही मैनू जिंदगी दे अंदर असल सहारा देन वाला है ते ओदों फिर ऐसे जीव दे उते ओ प्रभु आप ही कृपा करदा है ते राखो हो राखन हार दयाला नानक करके गोले। जदों दास बन के गुलाम बन के उस प्रभु दी शरण तकी जाए ते साहिब जी कहन लगे फिर ओ प्रभु आप ही कृपा वरसाउंदे ने आप ही बख्शिश करदे ने। ते सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कृपा कीती है कहन लगे रब जी मार्ग गुर है पठाया कि ए मार्ग ए रस्ता गुरु ने मैनू वखाया है ते गुरु उस प्रभु परमेश्वर दा मार्ग दसण वाला है। धन गुरु अर्जुन देव महाराज दा ही पावन बोल है कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। पातशाह जी कहन लगे मैं गुरु दी शरण अंदर गया ते गुरु दी शरण अंदर जदों जाइए गुरु फिर इस जीव नू अपने चरणा नाल नहीं जोड़दा गुरु इस जीव नू उस प्रभु परमेश्वर दे चरणा दे नाल जोड़दा है। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कृपा कीती कर कृपा टहल हर लायो। कहन लगे मैं गुरु दी शरण अंदर गया ते गुरु ने मैनू अपनी टहल अपनी सेवा अंदर नहीं जोड़िया
टहल हर लायो सगों उस प्रभु दी सेवा अंदर जोड़ दिता। तो धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने रहाउ वाले बंद अंदर कृपा कीती है कि रब जी ए मार्ग मेनू गुरु ने बखाया है ते मैं भरोसा लेके तेरी शरण अंदर आया हां। मेनू एको ही आस है तू जिवें मर्जी मेरे उत्ते कृपा कर जिस राहे मेनू तू रख लै। महादुतर माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया करो त्रमराया ग्रह अंध कुपाया पावक सगराया गही ओट सदाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी कृपा कर रहे ने कह लगे महादुतर माया आ जड़ी माया है ए माया एक भयानक है इस माया दे मोहों तो पार पौना औखा है। ते सतगुरु ने नाल नाल उदाहरण भी बख्शी कहन लगे जैसे पवन झुलाया हे प्रभु जिवें तेज हवा धक्के मारदी है भाव जदों तेज हवा चलदी होवे ते जिवें ओ तेज हवा धक्के मारदी है तिवें माया दियां लहरां धक्के मारदियां ने माया दियां लहरां इस जीव नूं डलाउंदियां ने। तेरी रची माया एक वड्डा समुंदर है जिस तों पार लंघना बहुत औखी गल है। ते साहिब जी कहन लगे सुन सुन ही डराया करो धर्म राया हे प्रभु मैं तां ए सुन सुन के ही डर रहा हां कि धर्म राज बड़ा करड़ा हाकम है क्योंकि सतगुरु ने अमृतमई बाणी अंदर भी कृपा कीती है कि उत्थे सच्चे ही सच निबड़ है चुन वख कढे जजमालिया कि उस धर्म राज दे दरबार अंदर केवल ते केवल सच दे आधार ते ही निबेड़ा होना है उत्थे केवल ते केवल इस मनुख दे कर्म ही तके जाने ने। धन गुरु नानक दे महाराज जी दे पावन बोल रोजाना पढ़दे हां करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर ए अपने अपने कर्मां दी गल है अपने अपने कर्मा करके कोई उस प्रभु दे नेड़े है अपने चंगे कर्मा करके ओदे कोई नेड़े हो जांदा है ते अपने मंदे कर्मा करके ओदे तो कोई दूर हो जांदा है। बाकी उस धर्म राज दे दरबार अंदर केवल ते केवल सच दे आधार ते ही निबेड़ा होना है। सतगुरु ने तां पहला ही प्रतख सानू ए समझा दिता है कि अगे जात ना जोर है कि अगे उस दरबार अंदर ना तां इस मनुख दी कोई उच्ची जात चलनी है कि किते मनुख सोचे कि मैनू उच्ची जात दा सदका उथे मान मिल जाना है। पातशाह जी कहन लगे ना कोई उत्ती उच्ची जात चलनी है ना ही उथे किसे प्रकार दा कोई जोर चलना है किसे प्रकार दी कोई इस मनुख दी पहुंच चलनी है उथे तां केवल ते केवल सच दे आधार ते ही निबेड़ा है। भाई गुरदास जी ने धन गुरु नानक देव महाराज जी दे पावन इतिहास नूं बयान करदियां अपने वारा राही एक वचन लिखे है जदों सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी नूं सवाल कीता गया कि साहिब जी तुहाडे तों ए असीं सवाल पुछदे हां तुसीं दसणा करो कि तुहाडियां निगाहां दे अंदर वड्डा कौन है कि तुसी एक हिंदू नूं वड्डा समझदे हो जां एक मुसलमान नूं वड्डा समझदे हो। पुछन खोल किताब नूं वड्डा हिंदू के मुसलमान होई ते साहिब जी ने उन्हां हाजियां नूं उन्हां काजियां नूं जवाब यही दिता सी सतगुरु ने यही उत्थे सोझी दिती सी कि बाबा बोले हाजियां शुभ अमला वाजों दोनों रोई कि जे किते एक हिंदू वीर ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਰਗਾਹੀ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੂ
आओ बैठ आदर शुभ देव ओनू तो फिर उथे कोई मंदे बोल नहीं बोलता ओनू उथे सत्कार नाल बिठाया जाता है। प्यारियो ते जिस जीव ने अमर चंगे नहीं किते ओ भावे हिंदू है ओ भावे कोई मुसलमान है ओ भावे सिख धर्म दे नाल संबंध रखन वाला है सतगुरु ने उथे निबेड़ा कर दिता सी उथे केवल ते केवल अमलां दे कर्मां दे आधार ते ही फैसला होना है उथे किसी प्रकार का कोई इस मनुख की जात जां किसी प्रकार का कोई जोर नहीं चलना। तो सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी कह लगे इसे करके सुन सुन ही डराया करगो धर्म राया कि उस धर्म राज दा जिहड़ा फैसला है ओदी कचहरी दे अंदर जिहड़ा निबेड़ा है ओ सच दे आधार ते होना है इस करके सुन सुन के ही मैं डर रहा हां। ग्रह अंध कुपाया पावक सगराया सतगुरु ने सोझी दिती हे प्रभु यह संसार एक अन्ना खूह है इस विच सारी तृष्णा दी अग ही अग है। पावक शब्द दा अखरी अर्थ हुंदा है अग। जिवें के एक डूंगा खूह होवे ते उस डूंगे खूह तो उपर खड़ के असी आपोस खूह दे विच तकिए ते सानू उस खूह दे विच हनेरा ही हनेरा नजर आउंदा है। इसे करके धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहन लगे ऐसे तरह असंसार भी अज्ञानता दे हनेरे नाल ही भरिया पे है। पावक सगराया इस विच सारी तृष्णा दी अग ही अग है ते सतगुरु ने ता धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने ही कृपा कीती उस मालक प्रभु दी ओट लैण दी ही सानू सतगुरु ने सिखिया दिती है क्योंकि ओ ही मां दी कुख अंदर तपशो तो बचाउन वाला सी ते इस संसार दी हालत भी वैसी है इस संसार दे अंदर भी तृष्णा दी अग है ते जिवें दुनियावी तौर ते अग है ओ दुनियावी अग ओदा सेक इस मनुख नू तपाउंदा है बिल्कुल इसे तरीके नाल तृष्णा दी अग भी इस मनुख नू तपाउंदी है। ते साहिब जी ने उत्थे सोझी दिती सी मात गर्भ मह आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे पावक सागर अथाह लहर मह तारुह तारन हारे। संसार नू भी एक अग दे बराबर के है क्योंकि जिवें अग सेक दिंदी है जीव नू तपाउंदी है बिल्कुल इसे तरीके संसार दे अंदर भी तृष्णा दी अग विकारां दी अग ए अग इस मनुख नू वार वार तपाउंदी है इस मनुख नू सेक दिंदी है। तो पातशाह जी ने सोझी दिती कहन लगे मां दी कुख अंदर भी तप तो बचाउन वाला प्रभु दा सिमरन सी इसे तरीके जीव अरदास कर संसार दी इस तृष्णा दी अग तो भी उस प्रभु ने तैनू बचाउणा है। ताही साहिबां ने बाणी अंदर बचन कहा मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अगन सागर सूख मन तन देहे। हे मन नित ही उस प्रभु दे नाम नू जप नित ही नाम नाल जुड़ क्योंकि सिमरन ही सी जेड़ा मां दी कुख अंदर तेरी रखिया करन वाला सी मां दी कुख अंदर तप्त तो तैनू बचाउन वाला सी ते प्रभु दा सिमरन ही है जेड़ा इस संसार अंदर तृष्णा दी अग तो तैनू बचाउन वाला है। ते जदों नाम नू जपिया जाए ते पातशाह जी कहन लगे जलत नाही अगन सागर नाम जपन वाला इन्नी कु ठंडक दे नाल भर जांदा है कि ओ माया दी तृष्णा रूपी अग दे अंदर छड़दा नहीं सूख मन तन देहे ओदे मन अंदर ओदे तन अंदर हमेशा ही सुख वसिया रहिंदा है। भाव ना ता मन करके ओ माया दे मोह अंदर छड़दा है ते ना ही ओ तन करके फिर केवल ते केवल माया इकट्ठी करन दे लई ही भज दूर करदा है। गही ओट साधाया नानक हर त्याया हे नानक आख हे प्रभु जदों तो मैं गुरु दा आसरा लिया है। गही शब्द दा अखरी अर्थ है पकड़ी साधाया शब्द दा अखरी अर्थ है गुरु जदों तो मैं गुरु दा आसरा लिया है मैं परमात्मा दा नाम सिमर रहा हां नानक हर त्याया ते मैनू
पूर्ण प्रभु लभ पिया है ते उस पूर्ण प्रभु दी मैनू प्राप्ति हो गई है। ते सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इस पावन शब्द दे रहाओ वाले बंद राही जिहड़ी गल कीती सी मैं भरोसा लैके आया हाँ कि तू मेरे उत्ते कृपा करेगा। अंतले पदे राही साहब जी ने उस रब की वरसी हुई रहमत कृपा का जिक्र भी कर दिता कि गुरु की राही उन्हें मेरे उत्ते कृपा भी की। तो सतगुरु जी अज सानू समझा रहे ने जदों भरोसा लैके गुरु की शरण अंदर जाइए भरोसा लैके उस प्रभु का आसरा तकीए फिर गुरु की राही ओ आप कृपा करता है ते गुरु की राही ओ आप इस जीव नू अपने नाल मिलाउंदा है। आप जी नू एक बार फिर तो दस दिए कि अज दे साडे धर्म विचार दा विषय है धर्म ते परोपकार। इसे ते ही विचारां लई साडे नाल जुड़े होए ने भाई गगनदीप सिंह जी जो कि प्रचारक ने साहिबजादा जुझार सिंह सिख गुरमत मिशनरी कॉलेज रोपड़ तो ते खास करके अजकल दिल्ली च ने ते दिल्ली विच प्रचारक वजो अपनियां सेवावां निभा रहे ने। सो सब तो पहला गगनदीप जी तुहाडे तो जानना चाहांगी जिवें कि साडा विषय है धर्म ते परोपकार, धर्म दी परिभाषा की है, धर्म है की, मनुखता नू किस तरह नाल जोड़ी रखता है। असल च धर्म संस्कृत का शब्द है जी जिहड़ा त्री तातु तो बनया है। शब्द दे धर्म शब्द दे अर्थ ने धारण करन वाली ओ वस्तु जिस दे आसरे ते सारा ही विश्व है। धर्म केवल ते केवल चंगे गुणा दा नाम है। धर्म किसे लिबास दा नाम नहीं। धर्म की परिभाषा है वह चंगे गुण जिहड़े इस मनुख के जीवन नू सुखला बनाउंदे ने, इस मनुख के जीवन नू उस मालक प्रभु की दरगाहे प्रवान होण जोगा बना दिंदे ने। धर्म की परिभाषा दिंदे आ किसी विद्वान ने बड़ा सोहना लिखे है कि जिवें एक पाठशाला है, पाठशाला दे विच एक उस्ताद है। उस उस्ताद ने अपने विद्यार्थियों नू पढ़ाया, सबक सिखाया ते उन्हां विद्यार्थियों की प्रीख्या जदों सफल हुई, प्रीख्या देण तों बाद वो अपने घर नू तुरे। तुरदियां तुरदियां आपस दे अंदर गलबात भी करदे जा रहे ने कि साडे उस्ताद ने साडे तों बहुत कुछ पुछे है पर उस्ताद ने धर्म बारे साडे तो कुछ भी नहीं पुछया। ते ऐसियां विचारां करदियां करदियां रस्ते दे अंदर उन्होंने की तकिया, रस्ते दे अंदर कंडे पए हुए ने ते ओ सारे ही विद्यार्थी अपने आप नूं बचा के उस रस्ते तो लंघ गए। उन्हां दे विच्चों एक विद्यार्थी उत्थे ही खड़ा हो गया। उस विद्यार्थी ने ओ कंडने कंडे चुगने उत्थों आरंभ कर दिते ते जदों दूजियां ने तकिया कि ये कंडे चुग रहे है, उन्होंने अपने उस साथी नूं बचन किया भी ये तू की कर रहे हैं, जिवें असीं अपना आपा बचा के लंघ आए हाँ उस तरीके नाल तू भी अपना आपा बचा के लंघ आ। वो कहन लगा नहीं, मैं तो इस रस्ते दे उत्तों आ सारे खिलरे हुए कंडे चुग के ही जावांगा ताकि आने वाले किसी राही जां किसी मुसाफर नू किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना होवे, इन्हां कंडियां तो कोई दुख ना पहुंचे। विद्यार्थी फिर कहन लगे, सज्जणा वेख रात दा समा हो गया है ते जे तू कंडे चुगने आरंभ भी कर देवें ते रात दे हनेरे अंदर तू सारे ये कंडे चुग नहीं सकेंगा। वह कहन लगा की होया जे रात हो गई, जे मेरे कोल सारे कंडे ना भी चुगे गए ते मैं इत्थे इंतजार करांगा आउण वाले राही आउण वाले मुसाफर नू कंडियां बारे समझावांगा दसांगा, फिर जदों सवेर होवेगी ते सवेर हुंदे सार फिर मैं सारे कंडे चुग के ते इस रस्ते नू साफ करके ही जावांगा। तो उधरों उन्हां दा उस्ताद भी आ गया ते उस्ताद ने अपने उन्हां विद्यार्थियों नू बचन कहा कि तुसी आपस दे अंदर गलबात कर रहे सी कि साडे उस्ताद ने धर्म बारे साडे तो कुछ नहीं पुछया।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੰਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਕੱਢਣੇ। ਤੋ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਭਲਾ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ ਪਛੈ ਅਵਰ ਰਿਜਾਵੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕੀਮਤੀ ਦੇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
बेड़ी मलाह तो बगैर किसी बन्ने नहीं लग सकती। जे किते बेड़ी नू किते बन्ने लाउणा है ते बेड़ी अंदर फिर मलाह दी लोड़ हुंदी है। इसे तरीके इस मनुखी जीवन मनुखी जिंदगी रूपी बेड़ी नू इंज कह लीए जे पार लाउणा है, इंज कह लीए जे मनुखी शरीर रूपी बेड़ी नू किनारे पहुंचाउणा है ते फिर धर्म एक मलाह दा काम करदा है, फिर धर्म दी लोड़ है। धर्म ने ही इस मनुखी शरीर रूपी बेड़ी नू पार लजाउणा है, इस मनुखी शरीर रूपी बेड़ी नू बन्ने लाउणा है। ते किसी विद्वान ने बड़ा सोहना लिखी है, इंद बिना जो मंद निस मंद कंज बिन ताल, जीव मंद त्यों धर्म बिन ताते धर्म ना टाल। के जिवें रात्रि चंद्रमा तो बगैर शोभदी नहीं, ते जिवें कोई सरोवर है वह सरोवर कमल दे फुल्लां तो बगैर नहीं शोभदा, बिल्कुल इसे तरीके मनुख का जिहड़ा जीवन है, मनुख की जिहड़ी जिंदगी है, मनुख की जिंदगी भी धर्म तो बगैर शोभदी नहीं, मनुख का जीवन भी धर्म तो बगैर शोभदा नहीं। इंज कह लईए जे किते जिंदगी दे अंदर धर्म नहीं ते आ मनुख केवल ते केवल पशु बिरती वाला बनिया होया है। मनुख नू पशु बिरती तो उपर उठ के इंसान बनन दे लई ते उस प्रभु परमेश्वर दे दर तक पहुंचन दे लई संबंध जोड़न दे लई धर्म दी बहुत लोड़ है जी। तो यानी कि धर्म वह रस्ता है जिहड़ा कि मनुख नू सीधा रब दे नाल जोड़दा है, जिथों मनुख उस रस्ते ते चल के कुछ सीख सकदा है ते अपना आपा सवार सकदा है ते होरना लई भी मिसाल बन सकदा है, उन्हां नू भी सुधार सकदा है। सो धर्म ते ही विचारां साड़ी अगे भी जारी रहेगी, फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक तो बाद छेती वापस आ। तो सत्संग जी आप जी ने कोई फिर तो दस दिए कि अज के साथ धर्म विचार का विषय है धर्म ते परोपकार, इसे ते ही विचार सा जुड़े हुए ने भाई गगनदीप सिंह जी। सो गगनदीप जी तुसीं दस्या पहले कि धर्म की परिभाषा की है, धर्म मनुख दे लई किन्ना जरूरी है, धर्म नाल जुड़े रहने दे लई मनुख नूं होर की कुछ करना चाहिए है, की कुछ अपने वालों उपराले करने चाहिए ने ताकि उस दा जो ध्यान है सीधा धर्म नाल जुड़े। धर्म नाल जुड़ के ही उस प्रभु परमेश्वर दी प्राप्ति दा ते मंजल हर एक धर्म दी इको ही है, रब दी प्राप्ति। जिन्हें भी धर्म ने यह सारे राह ने जिहड़े राह उस प्रभु परमेश्वर तक इस जीव नूं पहुंचाउंदे ने, ते जिथों तक धर्म नाल जुड़न दी गल है मनुख की उपराले करे। असल अंदर धर्म दे जिहड़े गुण ने उह गुण इस मनुख नूं लोड़ है अपनी जिंदगी अंदर धारण करन दी, क्योंकि धर्म कोई भी माड़ा नहीं। मैं पहला भी इंग्लिश दे राइटर थॉमस पेन दे उह पावन बोल आप जी नाल सांझे कीते ने कि धर्म उही चंगा है जिहड़ा इस मनुख नूं चंगा बनन दी सिख्या दिंदा है। ते हर एक मनुख नूं धर्म उहदा जिहड़ा भी धर्म है, भावें उह हिंदू वीर दा धर्म कह लईए हिंदू धर्म, भावें उह मुसलमान वीर दा इस्लाम उहनां दा जिहड़ा धर्म है उहदी गल करिए, ते भावें साडे सिखां दे लई जिहड़ा सिख धर्म है, हर एक धर्म इस मनुख नूं केवल ते केवल चंगा बनन दी ही सिख्या दिंदा है। हर एक मनुख यही राह विखांदा है, हर एक धर्म इस मनुख नूं कि उस रब प्रभु परमेश्वर तक तू किवें पहुँच सकदा है। ते हर एक धर्म ने अपने अपने मर्यादावां अपनियां अपनियां रहतां सीमावां इस मनुख नूं दित्तियां ने, जिवें कि दुनियावी किसी विद्वान दे भी बोलने उस अदीब ने बड़ा सोहना लिखे है कि ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, बुराई पे आ जाए तो हर इंसान बुरा। धर्म कोई भी बुरा नहीं, धर्म तो केवल चंगा बनन दी सिख्या ही दिंदा है, ते धर्म केवल ते केवल इस मनुख नूं राह ही विखाउंदा है।
हुण बुरा इंसान जिन्हें धर्म दे जिहड़े गुण ने उन्हां नूं धारण नहीं कीता, केवल लिबास ही धर्मी धर्म दा पहनिया होया, लिबास करके ही धर्मी बनिया होया है, ते उह फिर चंगा इंसान नहीं। वह भावें कोई हिंदू वीर है ते भावें कोई मुसलमान है, जे भावें कोई सिख है, जे उन्हें अपने धर्म के चंगे गुणों को धारण नहीं किया, धर्म दियां जिहड़ियां रहतां ने उन्हां धर्म की जिहड़ी मर्यादा है उहदे अनुसार उहदा जीवन नहीं, तो फिर हर एक वह मनुख बुरा है, भावें वह किसी भी धर्म का लै लईए, भावें वह किसी भी धर्म का है, जे धर्म के गुण नहीं। हुण जिथों तक धर्म नाल जुड़न की गल है, धर्म नाल जुड़न का उपराला मनुख आ करे कि धर्म वाले गुणा नू अपनी जिंदगी अंदर धारण करे, क्योंकि धर्म किसे लिबास का नाम नहीं, धर्म किसे भेख का नाम नहीं। लिबास तो केवल ते केवल पहचान करवाउंदा है कि आजीव किहड़े धर्म दे नाल संबंध रखदा है। जिवें कि किसे मनुख ने अपने शरीर उत्ते ओ क्रोस का निशान ओ पहनिया होया है, तो उस निशान नू वेख के ही असी समझ लैंदे आ कि यह क्रिश्चन है, उस धर्म दे नाल संबंध रखने वाला है। किसी ने अपने शरीर उत्ते जनेऊ धारण किया होया है, तो उस निशानी नू वेख के असी समझ लैंदे आ कि यह हिंदू धर्म दे नाल संबंध रखने वाला है। तो किसी ने पंज ककारां दी वर्दी धारण की हुई है, तो वह निशानी ही सानू दस देंदी है कि यह सिख धर्म के नाल संबंध रखण वाला है। तो धर्म किसी लिबास का नाम नहीं, लिबास तो केवल तो केवल एक निशानी है, तो धर्म नाल जुड़िया तां जाना है, केवल लिबास पहन के ही यह नहीं समझ लिया जाना चाहिए कि धर्म नाल असी जुड़ चुके हैं। क्योंकि जिवें कि एक विद्यार्थी एक बच्चा उन्हूं जदों किसी स्कूल अंदर उहदा एडमिशन कराया जाता है तो उन्हूं एक वर्दी दिती जाती है, वर्दी उहदी एक पछाण है कि वह स्टूडेंट है। केवल कोई वर्दी धारण करके ये ना समझ लवे कि हुण मैं पढ़ लिख गया हाँ, हुण मैं विद्या प्राप्त कर ली है। वर्दी तो एक निशानी है, वह तो एक समझाती है, एक पहला कदम है। इस तरीके लिबास एक निशानी है, लिबास एक पहला कदम है, क्योंकि जिवें पढ़न दे लई एडमिशन भी जरूरी है, सब तो पहला वह वर्दी भी धारण करनी पवेगी। इस तरीके जे किते धर्मी बनना है, धर्मी बनन दा जिहड़ा पहला उपराला है, जिहड़ा पहला कदम है, वह पहला कदम है लिबास धारण करना। वक् वक् धर्मां दी अपनी वक् वक् मर्यादा है। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू जिहड़ी मर्यादा बख्शी है, जिहड़ी गुरु नानक दे महाराज जी दे समें तो ही सतगुरु ने आरंभ कीती सी, ते उस मर्यादा नू जिहड़ा रूप दिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कि सिख धर्म अंदर जिन्हें प्रवेश करना है उहदे लई जरूरी है वह खंडे बाटे दी पाहुल छके पंज ककारां दी वर्दी पहने, अंदर बाणी दा प्रवेश होवे ते बाहर बाणी दा धारनी बने। ते जदों अंदर बाणी दा प्रवेश हो गया ते बाहरों बाणी दा आधारनी बन गया जीव, ते फिर असल रूप अंदर इस मनुख ने धर्मी बनना है। सिख धर्म नूं असल रूप अंदर तां ही निभाया जा सकता है जी। तो दुनिया भर विच धर्म ने मनुखता नूं सदा ही असर प्रभावित किया, सदा ही असर पाया। जो जी अज दुनिया नजर आ रही है उसनों इस अवस्था विच लियाण लई धार्मिक मुखियां, धर्म सिद्धांतां ते धार्मिक जो धर्म गुरुआं ने उन्हां ने काफी सुचेत मुखी दा किरदार निभाया। जे गल करिए परोपकार दी तुहाडे तों इही जानना चाहवांगी कि जिवें तुसीं दस्सिया धर्म दी परिभाषा, उवें सब तों पहलां साडे दर्शक वी जरूर जानना चाहवांगे कि परोपकार दी असल परिभाषा की है। परोपकार की असल परिभाषा है पराए दे उत्ते उपकार करना जी। भाव के जे कोई पराया भी तुहाडी शरण अंदर आ गया है जिन्हों ना तो तुसी जानदे हो,
ना ही जिदे नाल तुहाडी कोई पहचान है ते ओ भी जे किते तुहाडे दर ते आ गए है मदद मंगण दे लई कोई लोड़वंद ओ तुहाडे दर ते आया है उस लोड़वंद दी सहायता करनी उस लोड़वंद दी मदद करनी यही परोपकार दी परिभाषा है ते असल रूप अंदर धर्म ही सानू पर उपकार करना सिखाउंदा है धर्म तो ही यह गुण प्राप्त होना है पर उपकार दी बिरती धर्म ने ही देनी है जिहड़ा अधर्मी है जिन्हें धर्म नहीं धारण किया जिन्हें धर्म दे गुणा नू नहीं अपनाया क्योंकि मैं पहला भी बयान किया है जी कि धर्म केवल ते केवल लिबास दा नाम नहीं असल रूप अंदर अंदर ओ गुण आ जान जिवें कि सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने भी कृपा की है एक हिंदू वीर नू भी सिख्या दिती है ताई तां तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नू सारी मानवता दा सांझा गुरु आखिया जांदा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नू केवल सिखां दा गुरु नहीं सारी मानवता दा सांझा गुरु आखिया जांदा है क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अंदर हर एक धर्म दे नाल संबंध रखण वाले मनुख नू सिख्या दित्ती गई है सिद्धे रस्ते दे उत्ते पाया गया है धर्मी बनन दी सतगुरु ने सिख्या दित्ती है ते हिंदू वीर नू जिवें कि सतगुरु ने कहा हिंदू वीर ने उहदा जिहड़ा धार्मिक लिबास है उहने जनेऊ धारण करना है पर साहिब जी ने सोझी दित्ती कि तेरे कोल नाल नाल आ वाले गुण भी होने चाहिए ने दया कपाहा संतोख सूत जत गंढी सतवट के तू जनेऊ ता धारण कर क्योंकि तेरे धर्म की ओ मर्यादा है पर नाल नाल तेरे कोल आ गुण होण तेरे कोल दया होवे तेरे कोल संतोख होवे जत दा गुण होवे सत दा गुण होवे ते जे तेरे कोल आ गुण ने तां तू धर्मी है ते तां ही तेरे कोल परउपकार दी बिरती है क्योंकि दया तो बगैर तां पर उपकार हो ही नहीं सकता जिहदे कोल दया नहीं ओ तां दूजे उत्ते उपकार कर ही नहीं सकता तो ये कहा जा सकता है कि जो परोपकार है वो धर्म दे गुणा विचों ही एक गुण उसको भी कहा जा सकता है हाँ जी क्योंकि धर्म इस मनुख नू चंगे गुण बख्शदा है जी पर उपकार दा गुण भी धर्म ने बख्शना है जी पर उपकार दी जिहड़ी बिरती है जदों आपां धन गुरु नानक देव महाराज जी ने जिहड़े सानू तीन सिद्धांत बख्शे ने किरत करनी नाम जपना ते वंड छकना जी हुण जिथे सच्ची सुची किरत करनी है इस जीव ने सिख ने जिथे सच्ची सुची किरत करनी है धर्म दी किरत करनी है उथे उस प्रभु परमेश्वर दे चरणा अंदर अपनी सुरत भी जोड़ के रखनी है नाम भी जपना है ते फिर नाल नाल जदों धर्म दे आ वाले गुण अपना लए चंगी किरत कीती नाल नाल नाम भी जपया प्रभु दे चरणा अंदर सुरत भी जोड़ी रखी ते फिर प्यारियो पर उपकारी पर उपकार करन दी बिरती भी प्राप्त होई वंड छकना जिहड़ा शब्द है जिहड़ा सिद्धांत है ये पर उपकार करना ही सिखाउंदा है सतगुरु ने सोझी दित्ती है कि तू पर उपकार कर भाव वंड के छक ओ भावें तेरे कोल दुनियावी धन दी गल है दुनियावी धन दी जिथों तक गल है वह भी तू लोड़वंदां दी उहदे नाल भी सहायता कर लोड़वंदां दी मदद कर दूजियां दे उत्ते उपकार कर वह किसी भी तरीके का हो सकता है जिन्हों धन की लोड़ है ओदी ए जरूरत पर पूरी कर अगर कोई गरीब बच्ची है उस गरीब बच्ची दे व्याह आनंद कारज अंदर किसी चीज की लोड़ है तेरे को माया है ओदे राही तू ओ लोड़ पूरी कर सकना है कोई गरीब बच्चा है अपनी माया राही उस गरीब बच्चे नू तू विद्या दवा सकता है विद्या दवाउण दे प्रबंध करा सकता है तो जिथों तक दुनियावी धन की गल है दुनियावी धन नाल भी तू सतगुरु जी कह लगे पर उपकार करना है ते जिथों तक नाम रूपी धन की गल है पातशाह जी कह लगे दुनियावी धन नू भी वंड उहदे राही भी उपकार कर लोड़वंदां दी सहायता कर ते नाम रूपी जिहड़ा धन है नाम रूपी धन राही भी नाम रूपी धन भी तू वंड के छक भाव आप भी जप आप जपै अवरह नाम जपावै आप भी जप
ते होरना नू भी प्रभु परमेश्वर दा नाम जपा। तो पर उपकार दी बिरती धर्म ही सिखाउंदी है। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने यह सिद्धांत बख्शे ने साडे उत्ते, तां वैसे ही सतगुरु ने बड़ी कृपा कीती है सानू, तां जिहड़ी अरदास बख्शी है अरदास दे बोलां राही भी पर उपकार करन दी सतगुरु जी सिख्या दे रहे ने। हुण जिहड़ा प्यारियो आ पावन बंद आपां पढ़दे हां कि जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दित्ते, इहदे अंदर धर्म कमाउण वालियां दी गल है। फिर प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। हुण अरदास राही भी पर उपकार करना सिखाया कि तैनू वाहिगुरु चेते आवे, तू उस प्रभु परमेश्वर दे नाम नू चेते करें, मन बचन कर्म करके उस वाहिगुरु नाल जुड़े। पर नाल नाल किन्नी वड्डी पर उपकार करन दी सिख्या दित्ती कि नाम तू जपे, नाम खालसा जपे, नाम सिख जपे, पर उस जपन दा सदका भला केवल सिख दा ना होवे, सर्व सुख होवे, भला सब दा होवे, सरबत नू सरबत संसार दे जीवां नू सुख दी प्राप्ति होवे। तो सतगुरु ने अरदास राही भी पर उपकार करन दी सिख्या बख्शी है। अरदास जे जेडे अंतम बोल ने आम करके ओ पावन बोल असी अपनी रसना तो पढ़दे हां, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। उत्थे भी सतगुरु जी सरबत दा भला मंगण दी पर उपकार करन दी सिख्या दे रहे ने। फिर अमृतमई बाणी राही भी आपां जदों बाणी दे भी दीदारे करदे हां, धन गुरु अमरदास महाराज जी ने जदों प्रभु दे चरणां अंदर अरदास कीती ते नाल सतगुरु जी साडे लई भी पूरने पा रहे ने, नाल सानू भी सोझी दे रहे ने कि सिख ने भी अपनी ऐसी ही अरदास करनी है, केवल ते केवल अपना ही भला नहीं मंगना, सगों जगत जलंदा रख लै, अपनी कृपा धार, जित द्वारै उभरै तितै लहु उबार। सतगुरु ने उत्थे भी सानू सोझी दित्ती कि तू अरदास कर ते उस प्रभु परमेश्वर दे दर तों केवल अपने लई सुख ना मंग, सगों सरबत दा तू भला मंग। उत्थे भी सतगुरु ने पर उपकार करना सानू सिखाया। फिर नाल नाल साहिबां दी बाणी दे विचों सोलह साहिब दी बाणी जदों आपां पढ़दे हां उहदे अंदर भी वेखो पर उपकार करन दी सरबत दा भला मंगण दी किन्नी सोहणी सिख्या दे रहे ने कि बाबा जय कर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए। पातशाह जी कहन लगे हे रब जी, तेरे चरणा अंदर मैं अरजोई करदा हां कि तू केवल सिख दे घर दी चढ़दी कला ना कर, केवल ओ नहीं जिथे गुरु नानक देव महाराज जी नूं धन कहा जा रहा है, जिथे सिख धर्म नूं मनन वाले रहिंदे ने उसे घर दी चढ़दी कला होवे। पातशाह जी कहन लगे हर एक ओ घर जिथे जय कर करते कीरत होए, करते दी कीर्ति गाई जा रही है, करते दी वडियाई हो रही है। पातशाह जी कहन लगे हर एक उस घर दी चढ़दी कला होनी चाहीदी है, भावें ओ एक हिंदू वीर दा घर है, ओहदा ओ मंदिर है, उत्थे जे करते दी उस प्रभु नूं जपिया जा रहा है, पातशाह जी कहन लगे ओहदे भी झंडे झूलने चाहीदे ने, ओहदी भी चढ़दी कला होनी चाहीदी है, भावें ओ एक सिख दा घर है, उत्थे भी जे करते दी कीरत हो रही है ते उत्थे भी उस घर दी भी फिर चढ़दी कला होनी चाहीदी है जी। ते जी धर्म जे मनुख नूं सीधे राह पांदा है ते परोपकार जो है ओह मनुख नूं आपा वी सवारदा है। सो दोहां दा सुमेल कहा जा सकता है धर्म ते परोपकार दा। बिल्कुल जी। ते जो अजकल दे बच्चे ने ओह वेख्या जाए तां अजकल फैशन विच ने दूजा दी वेखा वेखी टीवी वगैरा विच ज्यादा दिलचस्पी रखते ने, तुसी भी तुहाडी भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं हुई ते तुसी भी अज एक ओंकार विच आए हो, प्रचार वजो सेवावां निभा रहे हो दिल्ली विच, रोपड़ तो तुसी स्टडी कीती है इस गुरमति। सो तुसी की मनदे हो कि जो नौजवानां नूं किस तरह जोड़ा जा सकता है धर्म नाल ताकि ओह परोपकार नाल भी जुड़न, जो भी धर्म दे गुण ने उहनां नूं अपना सकन। असल च नौजवान बच्चिया नूं घर तों ही ये सिख्या प्राप्त होनी है जी।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ, ਭਜਨ ਸਿਖਾਵੇਂ ਪੂਤ ਕੋ ਹਰ ਭਜ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਆਪ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ekunkar@znetwork.com। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਏਕੰਕਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 57575 ਤੇ। ਸਪਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।